आई एम लॉस्ट। उस दिन मैं सुबह सुबह रोज की तरह अपनी ओवर थिंकिंग की दुकान लेकर के उठा। ज्यादा कुछ नहीं, बस वही कि ये पैशन को प्रोफेशन बनाने की तूने ठान तो ली है, लेकिन क्या तू कर पाएगा सच में? सेल्फ डाउट प्लस नेगेटिव थॉट्स। मगर मेरी एक खासियत है कि अक्सर मेरे सवालों के जवाब मेरे पास ही हुआ करते हैं, तो मैं निकल पड़ा सवालों के जवाब खोजने। बीते कुछ दिनों से मैं लेट ही जाग रहा था, लेकिन आज मैं गलती से जल्दी जाग गया, तो मैंने बहुत दिनों बाद ये सुबह देखी थी। लोगों को आते जाते दिख रहा था, हालांकि ये सब मैंने पहले देख रखा था, लेकिन आज ये सब कुछ अनदेखा सा लग रहा था। बाहर खड़े खड़े मैंने सोचा कि आज कहीं जाते हैं यार। मैंने दोस्त को कॉल किया, मैंने कहा मुझे तुझसे कुछ उधार चाहिए, पैसे नहीं तेरी बाइक, और साथ में मुझे उधार चाहिए तेरा वो वाला कैमरा जिससे मैं अच्छी फोटोज ले सकूँ, और बस मैं निकल पड़ा। कहाँ? जिधर रास्ता ले जाए वहाँ। जो बयार मेरी पतली टी शर्ट से टकरा के जा रही थी, मैंने बहुत टाइम बाद महसूस की थी। हवा में उड़ते मेरे बाल, आंखों पे लगती हवा और कानों पे होता हवा का वो स्पर्श, कसम से बहुत लाजवाब एक्सपीरियंस था। जैसे जैसे मैं पहाड़ों की ओर नजदीक जाता जा रहा था, मुझे आवाज सुनाई दे रही थी, पहाड़ों की, बादलों की, पंछियों की और मेरे मन की भी। कभी कभी रुक कर, थम कर एक जगह सांस लेना कितना जरूरी होता है। उस पूरे दिन मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस खुद से बात की, खुद को आवाज दी और खुद को थोड़ा वक्त दिया। उस दिन मैंने किसी और का मन नहीं जीता, बस खुद को खुद के मन से जोड़ा, खुद के मन के पुल को खुद से जोड़ा। और उस दिन फिर से याद आया कि सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करने की हिम्मत कितनी ज़्यादा है, क्योंकि जो इंसान खुद से प्यार कर सकता है उससे कोई भी प्यार कर सकता है, और वो किसी से भी प्यार कर सकता है। बेहतर बनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन खुद की हकीकत को एक्सेप्ट ना करने में बुराई है। तुम जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो, खुद को एक्सेप्ट करो, खुद के वजूद को एक्सेप्ट करो, जैसे हो उसको बेहतर बनाओ। खुद के साथ घूमते घूमते कब शाम हो गई ये पता भी नहीं चला। सच में खुद का साथ भी बहुत प्यारा हो सकता है ये पता चल चुका था। एंड यस आई वॉज लॉस्ट, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं कहाँ खो चुका था, मैं क्यों खो चुका था, और ये खोना बहुत बेहतर था मेरे लिए। बस फिलहाल के लिए तो यही मायने रखता है कि दिन की शुरुआत में जो लड़का खोया हुआ था, शाम होते होते वो सुलझ चुका था। अब मैं घर को लौट रहा था और बस चालू है।